हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग बताने लगी हूँ। कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है, बहुत ही आसान है। चाहे छोटे साइज़ का बनाना हो या बड़े साइज़ का बनाना हो, कटिंग सेम ही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेव लहंगा बनाएंगे हम। रेव भी बोलते हैं और अम्ब्रेला भी बोलते हैं। और ये है इसकी लाइनिंग। और ये कपड़ा मेरे पास 2 मीटर है सिर्फ। तो 2 मीटर में रेव लहंगा बन जाता है क्योंकि एक बेबी का लहंगा है। लहंगे के लिए हमको सिर्फ 2 नाप चाहिए होते हैं। एक हमको चाहिए होती है लेंथ। इसकी लेंथ है 34 इंच। और दूसरा हमें चाहिए होती है कमर। कमर का टाइट नाप लेना चाहिए। और इसकी कमर है 23 इंच, 23 इंच। बस ये 2 नाप हमको चाहिए और हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये जो 2 मीटर कपड़ा है इसको मैं खोल लेती हूँ इस तरह से। ये 2 मीटर कपड़े को मैंने ऐसे डबल कर लिया। सीधी साइड हम अंदर रखेंगे ताकि निशान वगैरह दिखाई ना दे। अब ये चौरस सा बन जाता है जब हम इसको डबल करते हैं। तो इसको हम स्क्वायर को ऐसे फोल्ड करेंगे कि ये तिकोना सा बन जाए, इस तरह से। ये कोन शेप बना दिया हमने बीच में से तह करके इसको ऐसे। तो इसको मैंने ऐसे ट्रायंगल की तरह फोल्ड कर लिया है। अब इधर से हमारी कमर आ जाती है और इस साइड से हमारा घेर आ जाता है लहंगे का। तो उसके लिए, ये क्योंकि बेबी का लहंगा है, हमने इसमें ऊपर इलास्टिक डालना है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा लूज लेंगे ताकि बच्चे को उतारने और पहनने में मुश्किल ना हो। अगर आप बड़े बंदे का लहंगा बना रहे हो तो टाइट कमर लेके, क्योंकि ये कपड़े की 4 लेयर हो गई हमारे पास, इसलिए 1/4 कर लो। जितनी कमर है उसका 1/4 हिस्सा लेके यहाँ पर नाप लगा लो कि कितना चाहिए। अभी तो हमारे पास 23 इंच कमर है और हम 24 के हिसाब से थोड़ा लूज बनाएंगे। तो 24 का 1/4 होता है 6 इंच। यहाँ से हम 6 इंच ले सकते हैं ऐसे। लेकिन ये बच्चे का लहंगा है इसलिए मैं 6 की जगह 7 इंच ले रही हूँ। थोड़ा सा हमें मार्जिन रख लेना चाहिए। चाहे बड़ों का लहंगा हो तो भी थोड़ा मार्जिन रख लेना चाहिए, जिससे कि कभी टाइट हो जाए तो हम उसको खोल के ठीक साइज का कर सकें। और लंबाई हमारे पास है इसकी 34 इंच, 34 इंच। तो यहाँ से हम सेंटर से लगाएंगे 34 इंच। 34 में बस 1 प्लस कर लेंगे, ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पे 35 पे। और ऐसे ही हमने इस साइड भी 35 पर मार्क कर लिया। ऐसे ही सेंटर में भी 35 के ऊपर मार्क कर लेंगे हम। अक्सर अम्ब्रेला लहंगे में क्या होता है कि यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम पड़ जाता है तो उसमें हमको जोड़ देना पड़ता है। ये यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। ये आ गई हमारी कमर की साइड और यहाँ नीचे से भी हमने इसको कट कर दिया ये। अब ये वाला जो पीस हमने यहाँ घेरे के नीचे कट किया, इसको उठा के हम जो यहाँ कम पड़ रहा है दोनों लेयर में इधर लगा देंगे। अब इसमें क्या होगा, एक साइड किनारे वाला कपड़ा आएगा और एक साइड ऐसे कटिंग वाला कपड़ा आएगा। तो जिधर ऐसे वाला कट है उधर इसी तरह से हम मिलाएंगे, इसी कपड़े से जोड़ लग जाएगा। ऐसे रखेंगे, अब नापेंगे यहां से 35। ऐसे 35 मैंने सिर्फ 1 इंच का गैप इसलिए लिया, एक्स्ट्रा जो 1 इंच लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर जो है 2 इंच का हमारा बेल्ट लगेगा। तो नीचे हमें बारीक साई फोल्ड करना है क्योंकि रेव लहंगे में हम ज्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं देते हैं। तो ये यहां से इसके साथ साथ ऐसे फिनिशिंग देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 35 आ रहा है इस जगह पे और वहीं पर कट कर देंगे। ये देखिए 35 आ गया। ये नीचे वाले पोर्शन में तो हमारा जोड़ लग गया, यहाँ पे हम स्टिच करके इसको जोड़ लगा देंगे। अब इस वाले पोर्शन में हमको जोड़ लगाना है। ये देखिए, अब ये जो पीस बच गया इसको हमें, ये किनारे वाला कपड़ा है तो किनारे वाले को हम किनारे वाले से जोड़ लगा देंगे।
इस तरह से। ये बहुत ही लिमिटेड कपड़े में मैं बना रही हूँ, लेकिन आप अगर बेबी का लहंगा बनाएं तो 2.5 मीटर से कम कपड़ा ना लें, और बड़ा लहंगा बनाएं तो 3.5 मीटर से कम कपड़ा ना कभी ना लें। ये अब इसको मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा लहंगा आ गया इस तरह से, इधर हमारी कमर आ जाएगी और ये घेरा आ जाएगा। अभी ये 4 लेयर हैं कपड़े की, जब ये खुलेगा तो मतलब ये इसका 4 गुना लहंगा घेरा हो जाएगा। ये हमने जोड़ लगा लिया इसमें। ये देखो, कितना भी एक्सपेंसिव लहंगा होगा, बड़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा अम्ब्रेला लहंगे में यहाँ पे हमेशा जोड़ आते हैं, चाहे किसी शोकेस में भी रखा हुआ होगा ना कोई बहुत हैवी लहंगा तो भी यहाँ पर जोड़ आते हैं, क्योंकि जितना कपड़े की विड्थ होती है उसमें आता नहीं है पूरा। तो ये हमने चारों पल्ले में यहाँ पे जोड़ लगा लिया। जोड़ लगाने के बाद ये कभी कभी अप डाउन आ जाता है, आगे का एक पल्ला छोटा बड़ा, ये हम बाद में इसको नीचे से फिनिशिंग करेंगे। ये इसके एक साइड यहाँ सिलाई लगाएंगे तो ऑलमोस्ट लहंगा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है ये वाला, इस तरह से। ऊपर अब इसकी कमर की जो साइड है वहां पे हम 4 इंच की एक पट्टी लगा देंगे और उसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। और अब मैं आपको इसकी लाइनिंग बता रही हूँ। लाइनिंग भी सेम काटनी है हमने, लाइनिंग भी ये 2 मीटर है, इसको भी हम उसी तरह से 2 मीटर कपड़े को इस तरह से तह करेंगे, खोलकर डबल कर लेंगे। ये डबल किया इसको हमने और फिर से ट्रायंगल बना दिया ऐसे ही। हम ए लाइन भी लगा सकते हैं नीचे लाइनिंग, लेकिन थोड़ा फ्लेयर और अच्छा बन जाता है अगर लाइनिंग भी हम अम्ब्रेला में ही लगाएंगे तो। और इसको हम अब 35 नहीं लेंगे क्योंकि लाइनिंग थोड़ी छोटी होनी चाहिए, इसको हम 34 ले लेंगे या 33 ले लेंगे लाइनिंग को। अब ये लाइनिंग है, लाइनिंग को हमने जो बाहर वाला कपड़ा था उसको 35 लिया था, इसको हम 34 या 33 ले लेंगे। इसको मैंने 33 लिया इधर से भी और इधर से भी 33 और सेंटर से भी 33 निशान लगा के और यहां से कट कर दिया। और ये हमारा लाइनिंग का घेर आ गया, इधर से थोड़ा सा कम पड़ेगा तो उसमें हमें जोड़ लगा देना है। और आसान समझाने के लिए मैं आपको बहुत छोटे से पीस में बताती हूँ कि जैसे सपोज हमारे पास ये 2 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर कपड़े को ऐसे सेंटर से ऐसे लेके डबल कर लो। अब ये रेक्टेंगल सा बन गया चौरस पीस और इसको तिकोना ऐसे रख दे। यहां से हम कमर का नाप ले लें, कमर का जितना उसका चौथा हिस्सा लेके निशान लगा के ऐसे गोलाई में कटिंग कर दें, 1 इंच प्लस करके ही करें। और यहां से हम ले लें लेंथ और इसको इस तरह से कट कर दें ऐसे। इतना कट आ गया, अगर लेंथ आ गई लहंगा तो हमें यहाँ जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन सपोज करो हमारा लहंगा थोड़ा लंबा है तो ये यहां तक आएगा। और इस कपड़े को उठा के हम खोल के यहां पर जोड़ लगा देते हैं ऐसे, और ऐसा जोड़ हमारे लहंगे में आता है, इस तरह से घेरा बन जाता है। अब ये जोड़ वगैरह लग के लहंगे में ऐसे प्लीट्स आ जाएंगे, इसकी लाइनिंग भी हमने अंदर से जोड़ दी है और ये काफी घेरे वाला बन जाता है ऐसे करके। अभी नीचे हम सबसे लास्ट में फिनिशिंग करेंगे। ऊपर की साइड हमने ये 4 इंच की 5 इंच की पट्टी काट के लगा ली है यहाँ पे लाइनिंग, और इसको दोनों को इकट्ठे जोड़ दिया हमने लहंगे को, और ऊपर ये 4 इंच का अलग से कपड़ा लगा दिया। इसके अंदर जब हम इसको डबल करेंगे उससे पहले हम एक ये रिंग बना लेते हैं इलास्टिक का, क्योंकि ये बेबी का है, बच्चों के लिए इलास्टिक वाला ही ठीक रहता है। अगर बड़ों का लहंगा है तो हमें यहाँ पे बुकरम वगैरह करके बेल्ट बनानी पड़ती है अब अच्छी तरह फिनिशिंग से। तो 23 इंच कमर थी और ये हमने उससे 4-5 इंच कम लिया, 18 इंच का इलास्टिक लेके उसका रिंग बना के और इसको इस तरह से अंदर रखते जाएंगे, जैसे ये है, कहीं से भी स्टार्ट कर लें ऐसे करके, और ऐसे करके हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे।
आगे आगे खिसकाते जाएंगे इलास्टिक को, चुन्नट पीछे करते जाएंगे और ये इसके अंदर लग जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये बन जाएगा लहंगा, इसको इस तरह से तह करके और इसको अच्छी तरह से झाड़ लें, ऐसे अच्छी तरह से ऐसे झाड़ के एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। ये हुआ, और यहाँ हमारा जब इलास्टिक लग जाएगा, ये कपड़े वाली मेरे पास क्लिप है या कुछ भी क्लिप या रबड़ बैंड लगा के किसी भी तरह आप इसको ऐसे करके लटका दें हैंगर में या कैसे भी। जब आप इसको लटका देंगे, क्योंकि रेव लहंगा होता है तो ये नीचे से फिनिशिंग इसकी उसके बाद करना चाहिए, कहीं से लंबा हो जाता है ऐसे खींच के और कहीं से छोटा रहता है, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत जगह आपने देखी होगी लहंगों में आती है। आप इसको 4-5 घंटे के लिए ऐसे लटका दें, ये मैं लटका चुकी हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कोई कोई हिस्सा जो है ज्यादा है, उसके बाद हम इसको बराबर कट करेंगे सबको, ताकि एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए, और उसके बाद हम बारीक सी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा लहंगा बनके रेडी हो गया, ये ऊपर इलास्टिक आ गया, और ये देखो कितनी सुंदर प्लीट्स इसमें बनती हैं। ये तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।